Hey guys, this is Abhishek and welcome to Careful Health and Fitness. आज ये विटामिन सीरीज का पहला वीडियो, मतलब दूसरा है कि पहले मैं तो बताता था कि इंट्रो विटामिन क्या होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं विटामिन के बारे में तो प्लीज़ आई पे क्लिक करके ज़रूर देखें, उसमें बताया है विटामिन कितने तरीके के होते हैं, उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें। और इस वीडियो में बताऊँगा स्पेशल एक विटामिन दैट इज़ कॉल्ड विटामिन B6, और इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताऊंगा मैं कि विटामिन B6 क्या होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चला हमें इसमें विटामिन B6 की कमी है, और विटामिन B6 होता क्या वो तो बताऊंगा। और उसके साथ साथ इसके कुछ हेल्थ के बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट 10 से 12, और हमारे डेली रिकमेंडेड डोज कितनी है, और उसके साथ साथ क्या आप इसको सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, मतलब सप्लीमेंटेशन आप इसका कर सकते हैं, और क्या ये लेना सेफ है, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। दिस इज अभिषेक चौहान एंड वेलकम टू केयर फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। तो सबसे पहले बता दूं विटामिन B6 जिसको कहते हैं पायरोडॉक्सिन, और ये जो है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब वाटर सॉल्युबल मतलब ये आपके टिश्यू कैरीड करते हैं और बॉडी में स्टोर नहीं होते, मतलब इस विटामिन को आपको डेली लेने की जरूरत है। अब बात आती है विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन के हेल्थ बेनिफिट के। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट ये है कि आपके ब्लड वेसल जो खून की नलियाँ है उसको हेल्दी करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक तरह का ब्लड के अंदर एक तरह का कंपाउंड रहता है जिसको बोलते हैं कहते हैं होमोसिस्टीन, और होमोसिस्टीन क्या करता है, ये विटामिन B6 का करता है, ये होमोसिस्टीन के लेवल को रेगुलेट करता है, ना कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है। अगर आपके बॉडी में ब्लड वेसल में ब्लड में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ गया, हाई हो गया, तो ये आपकी ब्लड वेसल को डैमेज भी कर सकता है, और हम जानते हैं ब्लड वेसल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड वेसल के थ्रू ही ब्लड पास होता है और अलग अलग बॉडी के पार्ट में ऑर्गन में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं। सेकेंड, ये आपके ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन B6 जो है वो हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए विटामिन B6 जो है वो जैसे कि बताया मैंने कि होमोसिस्टीन को लेवल को मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसी की तरह ये होमोसिस्टीन को लेवल को मेंटेन करता है। तो उससे होता क्या है, जाहिर सी बात है ब्लड वेसल आपके हार्ट से जुड़ी है तो हार्ट जो है उसको भी हार्ट जो हार्ट अटैक आता है उसको अभी रिस्क जो है वो बहुत कम करता है, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को भी सपोर्ट करता है ब्रेन के साथ साथ। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये आपके ओवरऑल मूड को कंट्रोल करता है, मतलब सही करता है। हम जानते हैं एक तरह का हार्मोन्स होता है जो कि होता है सेरोटोनिन, जिसको मूडी हार्मोन कहते हैं, हैप्पी हार्मोन करते हैं, ये उस हार्मोन को बनाता है। और एक रिसर्च से ये पता लगा है कि पेशेंट जो विटामिन B6 का सप्लीमेंट लेते हैं या फिर विटामिन B6 के जो नेचुरल सोर्स है उनको ज़्यादा खाते हैं, उनका मूड बहुत अच्छा होता है और उनकी बॉडी में लेस पेन होता है, और उसके साथ साथ एनर्जी की कमी बिल्कुल नहीं होती, और उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेट भी वो कर सकते हैं हर चीज़ में, मतलब वो हर चीज़ को जज अच्छा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इससे परेशान हैं, वो है एनीमिया, खून की कमी होना। जिन लोगों को खून की कमी होती है डॉक्टर उसको आयरन के साथ साथ विटामिन B6 के टैबलेट्स कैप्सूल्स भी देता है, सप्लीमेंट भी देता है, और कहता है वो वाली चीज़ें खाओ जिससे आपको आयरन मिले और विटामिन B6 क्या, आगे बताऊंगा मैं नेचुरल सोर्स क्या है उसका। बट ये भी होता है, एक्चुअली होता क्या है, हम जानते हैं कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन विटामिन B6 क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन को क्रिएट करता है ब्लड के अंदर, इसलिए विटामिन B6 बहुत ज़रूरी है एनीमिया के लिए। अगर आपको खून की कमी है, मतलब आपके ब्लड सेल जो है उन तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रही है, मतलब हीमोग्लोबिन जो रहता है ब्लड के अंदर सेल के अंदर वो कम है, तो विटामिन B6 बनाता है हीमोग्लोबिन को। पांचवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपकी आई जो आंखें उसकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। अर्ली एज, मतलब आजकल तो क्या हो रही प्रॉब्लम, बट वो लोग जिनको एज के साथ साथ आई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है उनको साथ साथ विटामिन B6 की मात्रा लोग बढ़ाते हैं, डॉक्टर उनको बढ़ाते हैं कि विटामिन B6 का ही आपको आंखों की प्रॉब्लम है। वैसे भी अगर आपकी आंखों की प्रॉब्लम है, जैसे आपको आई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, दिख अच्छे से नहीं रहा है, या फिर आई का कोई ऐसा डिसऑर्डर है, तो उसके लिए जो डॉक्टर है आपका जो कि आई चेक करता है या आपको आई के बारे में आपको कंसल्ट करता है, वो आपको विटामिन B6 के सप्लीमेंट लिखता है, क्योंकि उससे ओवरऑल
हेल्थ जो रहती है आपकी आई की वो स्ट्रांग रहती है, अच्छी रहती है। अगला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये अस्थमा को भी ट्रीट करता है, मतलब अस्थमा अगर आपको है तो अस्थमा कम करने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि अस्थमा वाले पेशेंट या वो लोग जिनको अस्थमा के सिम्टम हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये न्यूट्रिएंट। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप अस्थमा के सिम्टम होते हैं, बार बार खांसी आना गले से या फिर वो आता है, तो ये क्या करता है उसको कम करता है, और उसके साथ साथ अस्थमेटिक जो अटैक आते हैं, अस्थमेट से रिलेटेड जो आते खांसते जो अटैक आते हैं उसको भी ये कई हद तक कम करता है। तो जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए भी विटामिन B6 बहुत ज़रूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट वो ये है कि वो लोग जिनको नींद प्रॉपर नहीं आती उनके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन B6 पाइरोडॉक्सिन। क्या करता है एक्चुअली, क्या करता है कि ये आपकी रेगुलेट जो स्लीपिंग साइकिल है उसको मेंटेन करता है। जैसे कि अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं तो जाहिर सी बात है 7 घंटा सोने की ज़रूरत है, तो सुबह 6 बजे उठना चाहिए। तो कई बार क्या होता है आपको 11 बजे नींद नहीं आती, 1-2 बजे आती, या फिर 10-11 सुबह रात को 9 बजे से आने लग जाती, कई बार जल्दी आने लग जाती, कई बार लेट आती, और आप सुबह कई हिसाब से देखा जाए तो आपको 7 बजे उठना चाहिए लेकिन आप 7 बजे नहीं उठ पाते, कई बार 9 बजे नींद खुलती है, 8 बजे खुलती है, या बहुत पहले से आ जाती, या फिर नींद ही नहीं आती। कहने का मतलब है कि आपकी 10 बजे एनर्जी, 11 बजे आपको नींद आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए नींद आए, और 6 बजे जब आप उठे तो आपको एनर्जी हो, ठीक है। ये होता है एक प्रॉपर स्लीप साइकिल, ठीक है। तो क्या होता है, एक हमारी बॉडी में एक तरह का हार्मोन्स होता है जिसको कहते हैं मेलेटोनिन, ठीक है। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन्स रहता है जो कि आपके बॉडी के जो कि स्लीप साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। अगला जो इसका बेनिफिट है विटामिन B6 का, ये किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए भी काम आता है। वो लोग जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है मेन, उनके लिए विटामिन B6 बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर यही लिखते हैं मैग्नीशियम के साथ अगर विटामिन B6 आप लेंगे तो किडनी स्टोन को ट्रीट करने में भी काम आएगा। तो ये कुछ हेल्थ बेनिफिट है विटामिन B6 के। अब मैं बताऊंगा इसका डेली रिकमेंडेड, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है उसको अगर ज़रूरत है, जो कि डॉक्टर लिखता है और नेचुरल सोर्स से मिल जाता है, वो नेचुरल सोर्स भी बताऊंगा आगे में, वो उसको ज़रूरत है 0.3 mg/g, जो कि यंग बच्चे हैं, जो कि 1 साल से लेके, यंग क्या मतलब जो बच्चे हैं किड्स है, 1 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे को 0.3 से लेके 1 मिलीग्राम तक मिलना चाहिए, डेली रिकमेंडेड है। और जो कि एडल्ट लोग हैं जो कि 16 साल से लेकर 51 साल तक 50 साल तक के लोग हैं उनको मिलना चाहिए करीबन 1.3 mg/g। और जो 51 साल से लेकर बूढ़े हैं, मतलब जो 50 साल से ज़्यादा बड़े हैं, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े हैं, उनको मिलना चाहिए 1.5 mg। और जो कि ब्रेस्ट फीडिंग महिला है जो कि दूध पिलाती है और प्रेग्नेंट वूमेन है उनके रिकमेंडेड डोज है 1.9 mg/2 mg। और ये जो नेचुरल सोर्स आप ले सकते हैं वो मिलता है आपको, जो कि बेस्ट सोर्स है वो है बनाना, एग, रेड मीट, जो वाले जानवर जो कि ग्रीन प्लांट खाते हैं उनके मीट, जो उसमें विटामिन B6 सबसे ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ फिश, उसके साथ साथ चिकन ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा रहता है, उसके साथ साथ चीज़ में रहता है, पपाया में रहता है, मैंगो में रहता है, मेलन में रहता है, जो कि तरबूज कहते हैं जिसको, जो कि खरबूज भी कहते हैं उनमें रहता है, और उसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ों में रहता है, लेकिन ये मेन है। अब बात आती है क्या है? ये मार्केट में हम इसको नेचुरल सोर्स से नहीं मिल पाए, मतलब क्या होता है कई बार हम कहीं जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, हमें ठीक से खाना नहीं मिल पाता है, हॉस्टल में रहते हैं तो हमको ये न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता और फिर आगे प्रॉब्लम आती, तो उनके लिए सप्लीमेंट मिलता है। और मेरे पास है जेनिथ का विटामिन B6 सप्लीमेंट, और विटामिन B6 जो सप्लीमेंट है ये बहुत सारे ब्रांड में मिलता है। मैंने जेनिथ का इसलिए मंगाया क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी थी और मैं एक बार खा चुका हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि मैं अपनी आई इम्प्रूवमेंट के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरा ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और अगर आपको नहीं ऑनलाइन मंगाना है तो लोकल स्टोर में भी मिलता है, और अगर ऑनलाइन मंगाना है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो अच्छे डिस्काउंट के साथ मिलेगा, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिए, तो आप ले सकते हैं। इसको सेकेंडरी रखिए, ये एक्चुअली 300 वेजिटेरियन कैप्सूल आते हैं इसके अंदर, और इसकी जो रिकमेंडेड डोज है, मैंने क्या है इसका फंक्शन तो बता दिया, इसका जो विटामिन B6 है पर सर्विंग में 10 mg, मतलब करीबन 500 से 700% ज़्यादा है।
तो जैसे कि मैंने बताया है कि जो कि विटामिन बी सिक्स है, एक तरह का वाटर सॉल्यूबल है, और आप जितना ज़्यादा रहेंगे ज़रूरत रहेगी, कहने का मतलब आपके बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लेगा, और जितनी नहीं है वो फिर यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। तो क्या हमको इतना लेना चाहिए? देखिए, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर मैंने बोला 1.3 तो ज़रूरी नहीं 1.3, अगर आप जिम ज़्यादा हो सकता है और 2 से 2.5 भी हो जाए तो आप इतना कहाँ से लेके आओगे? तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है सप्लीमेंटेशन की, तो आप फिर सप्लीमेंट लेते हैं, या फिर आपको कोई सी प्रॉब्लम हो तो लेते हैं, या फिर आपको अच्छी डाइट नहीं मिल पाते तो आप इसको लेते हो। तो इसको सेकेंडरी रखिए, पहले कोशिश करिए आप अच्छी डाइट के थ्रू लीजिए, अगर वो नहीं मिल पाती तो ही सप्लीमेंट लीजिए। अगर सप्लीमेंट भी लेंगे तो इसको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ले सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या विटामिन बी सिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी मुझे करें जरूर करें, @live.abhishek। अगली विटामिन सीरीज के साथ मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।